हे व्यूअर्स, वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज कोई स्टडी रूटीन नहीं है, आज है आपके लिए बुक लिस्ट। आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी प्लीज़ UPPCS के लिए बुक लिस्ट बता दीजिए और हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो आज मैं आपके साथ अपनी बुक लिस्ट शेयर करूँगी जो UPPCS के लिए होती है, और कहाँ से स्टार्ट करें, और सबसे स्टार्टिंग टू बेसिक से हमें क्या करना है, तो वो सब स्ट्रेटजी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको पसंद आए। और आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, जिन एस्पिरेंट ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्हें ये नहीं पता है कि कहाँ से हम स्टार्ट करें, तो वही स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और वही बुक्स जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये बुक फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हमें NCERT को कवर करना होगा। 6, 7, 8 की NCERT पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको उनको पढ़ना है, और इंटरेस्ट आता है जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। 6, 7, 8 की जो बुक है उनको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो एक कहानी के फॉर्म में है, स्टोरी टाइप, तो अच्छा मन लगता है। वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा तो है ही पहले। तो सबसे पहले आपको NCERT को कवर करना है, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक को कवर करना है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ अपनी बुक लिस्ट शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये 6th क्लास की NCERT है। तो ये 6th क्लास की है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, एक बुक ही आएगी, आपको ये फॉलो करनी है। सबसे पहले इसको पढ़ना है, फिर है आपका हमारे अतीत, ये भी 6th क्लास की है, और यह भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, पृथ्वी हमारा आवास। तो ये तीनों बुक हो गई 6th क्लास की, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद आता है फिर हमारा 7th क्लास के लिए, 7th क्लास के लिए ये हमारा हमारे अतीत यानी कि हिस्ट्री हो गया ये है, और ये सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ये भी 7th क्लास के लिए है, और हमारा पर्यावरण, ये भी 7th क्लास की है। तो ये हमें 7th क्लास की बुक फॉलो करनी है अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आपको बेसिक किताबें ही पहले पढ़नी होगी और तब हम स्टैंडर्ड बुक पर जाएंगे। इसके बाद आती है हमारी 8th क्लास की, ये हमारे अतीत, ये वाली बुक हो गई। इसके बाद सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ये भी 8th क्लास की NCERT हो गई, और इसके पार्ट 1st, पार्ट 2 इस तरीके से हैं। तो ये पार्ट 3 है हमारे अतीत, और ये सामाजिक विज्ञान, ये विज्ञान की है, ये 8th क्लास की है। तो ये सारी बुक जो हैं हमारी हो गई हैं 8th क्लास की, और ये हमारी हैं 7th क्लास की, और ये हमारी हैं 6th क्लास की। तो ये NCERT है 6, 7, 8, ये आपको फॉलो करनी है। और इसके बाद जो है हमारी आती है स्टैंडर्ड बुक, और स्टैंडर्ड बुक बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये है हमारा UPPCS के लिए प्री का सिलेबस, और ये है मेंस का सिलेबस। तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस लेना है और उसको अच्छे से एनालिसिस करना है, क्योंकि कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जाता है और कहाँ तक पूछा जाता है वो आपके तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालिसिस कर लोगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो इनको आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपका सिलेबस आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, तभी आप अपनी आगे की स्टडी अच्छे से कर पाओगे। तो ये हमारा हो गया सिलेबस। और जो बुक मैं फॉलो करती हूँ मैं आप लोगों को वही सजेस्ट कर रही हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप इनको भी ले सकते हो और अदर बुक भी ले सकते हो, नो डाउट, लेकिन ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है और इन्हीं को मैं फॉलो करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लक्ष्मीकांत की। लक्ष्मीकांत बुक आप लोगों को पता ही है कि इनका तो नाम ही काफ़ी है, तो पॉलिटी के लिए ये बेस्ट बुक है, ये मेरे पास है, इसको भी पढ़ना होगा। ये हमारी नितिन सिंघानिया है आर्ट एंड कल्चर के लिए, ये भी बेस्ट बुक है, ये भी पढ़ना होगा। यह है स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री, इसको भी आपको पढ़ना होगा, ये भी आपको लेनी है। यह है हमारा मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र, ये मेरे पास है, मैं इसको फॉलो करती हूँ, तो आप भी ये वाली बुक ले सकते हैं। यह है हमारा भारत का प्राचीन इतिहास रामशरण शर्मा, ये भी आपको फॉलो करनी है। और आधुनिक भारत की मेरे पास 2 बुक्स हैं, एक विपिन चंद्रा है और एक स्पेक्ट्रम है, दोनों ही बुक परचेज की हुई है, विपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम।
पर्यावरण के लिए मैंने दृष्टि के लिए हुई है, मैं इसी बुक को फॉलो करती हूँ, तो आप इसको ले सकते हैं और पढ़ना आपको है ही पर्यावरण, चाहे अदर बुक से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आपको यही बुक लेनी है, लेकिन जो मेरे पास है मैं आपको वही बता रही हूँ। तो मैंने इस बुक को फॉलो किया है। ज्योग्राफी के लिए मेरे पास ये 11th क्लास की NCERT है, ये दोनों बुक मैंने ली हुई है, और इसके बाद जब मेरी ये कवर हो जाएंगी इसके बाद मैं 12th क्लास की भी ले लूँगी, तो आपको भी NCERT बताते हैं कि इकोनॉमी और ज्योग्राफी के लिए NCERT काफ़ी बेनिफिट होता है NCERT का, तो इसलिए मैंने NCERT ही ली हुई है। उसके बाद आता है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, तो इसके लिए भी मेरे पास जो है बुक्स हैं 11th क्लास की NCERT, तो मैंने इन बुक को फॉलो किया है। और रीजनिंग के लिए मैंने ये वाली बुक ली हुई है, ये मेरे पास है, काफ़ी अच्छी बुक है, तो मैं इससे प्रैक्टिस करती हूँ, बाकी मैं वीडियो से प्रैक्टिस करती हूँ। तो यही थी मेरी बुक लिस्ट। और करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है डेली जो है न्यूज़ देखनी होती है, या तो आप मंथली कोई वो ले लो, क्या कहते हैं मैगजीन, जैसे कि क्रॉनिकल वगैरह आती है, या फिर आप बाद में फिर ईयरली वाली भी आती है, हाफ ईयरली वाली भी आती है, वो भी ले सकते हो, और आप वीडियो से भी कर सकते हो, कैसे भी करके, यानी कि करंट के आपके टच में रहना, आपको क्या हो रहा है, कैसे कहाँ पर क्या हुआ, क्या योजना है, इन सब के बारे में जो है पता होना चाहिए, तो इसलिए करंट को आपको डेली ही करना होगा। और बस यही था मेरा बुक लिस्ट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपको पसंद आया होगा, और अगर अब मेरे से कुछ छूट गया हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और बस आपको बेसिक से स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप NCERT को फॉलो कीजिए, इनके इनको पढ़ने के बाद ही आपको स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक आपके तभी समझ में आएगी जब आप NCERT को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।